हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंड द गेम प्ले वीडियो। तो आज हम खेलने जा रहे हैं रशियन कार ड्राइवर, और ये हमारी इस गेम प्ले सीरीज़ का पार्ट 13 है। इसके पहले हम काफ़ी इस गेम में लेवल्स खेल चुके हैं, हम बहुत ही हेवी सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं। और इस लेवल में हम जो माफिया के साथ काम कर रहे थे, तो माफिया रिची ने हमें अपने घर पर बुलाया, तो उसी टाइम पर हमें कॉल आ गया अपने फ्रेंड, मतलब फ्रेंड नहीं कह सकते, एक पुलिस ऑफिसर है एलेक्सी, जिसके साथ हमने पहले जो मिशंस किए हैं पुलिस की, हमने मदद की है, जिसमें हमने एक मुजरिम को भगा भगा के पुलिस के लिए पकड़ा था या पकड़वाया था स्पेशली। तो इसी नाते वो पुलिस एलेक्सी जो हमारे मतलब पार्टनर था उसमें, जिसे हमने ले लेके घुमा था, तो वही उसने हमें मिलने के लिए यहाँ पर बुलाया सीक्रेटली, और हमें बताया कि जो रिची है, जो मतलब माफिया के लीडर है, उस पर पुलिस की पहले से बहुत नज़र है और उसके बहुत ही बड़े बड़े कारनामे चल रहे हैं ऑलरेडी ब्लैक के, जिसे पुलिस अब पकड़ने वाली है बहुत जल्द। और हम उसके साथ हैं, तो डाउट हम पर भी है कि हमें भी पकड़ सकती है, तो उसी के लिए उसने हमें मिलने बुलाया था। और हमारी यहाँ गाड़ी फंस चुकी बुरी तरीके से। तो ऑल राइट गाइस, तो मैंने आपसे कहा था जैसे कि हम रिची से मिलने आए थे, ये उसका बॉडीगार्ड है, इससे हम बात कर लेते हैं थोड़ा। हेलो रिची, विल बी रिलीज्ड सून। ओके, तो रिलीज मतलब रिची कहीं गया हुआ है और एलेक्सी ने हमें बुलाया है बात करने के लिए। ये बॉडीगार्ड था उसका, बाय द वे हमारा वो मिशन फेल हो गया था, ये वही मिशन है जो हम फिर से रिट्राई कर रहे हैं। ऑल राइट गाइज, तो इस गेम का नाम है हमारा एंड ऑफ द गेम। वैसे ये एंड नहीं है इस गेम का, ये एक बस पार्ट है इस गेम का, तो बी विथ मी गाइस। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक दिस वीडियो। और हमारी कार यहाँ पर ठुक गई है अनफॉर्चुनेटली, सो वी नीड टू टेक रिवर्स। ओके, तो हमने बम्पर वम्पर लगा के रखा हुआ है, लेकिन हमारी हेल्थ पर फ़र्क पड़ता है गाइज, और गाड़ी पे भी फ़र्क पड़ता है वैसे तो, काफ़ी डैमेज हो चुकी है हमारी कार भी, बट फिर भी इतनी भी डैमेज नहीं होती है सामने ठुकाने से पेड़ पे। तो अभी हमें एलेक्सी ने मिलने बुलाया, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस बार हम आई थिंक माफिया को पकड़वाने वाले हैं गाइस, तो हम उसके लिए काम कर चुके हैं, लेकिन माफिया आपको पता है कि कितना डेंजरस है वो, उसकी जान पहचान पूरे इलाके में है और उसके आदमी भी, मतलब माफिया के साथ हमारी इस बार लड़ाई कुछ जमेंगी नहीं आई गेस, बहुत ही ख़तरनाक है हमारे लिए वो, मरवा भी सकता है वो, इतनी पावर है उसके पास अगर हमने उसे पकड़वा दिया तो पुलिस से। लेकिन देखते हैं एलेक्सी हमें क्या कहता है, अगर उसे हम पर शक हो गया माफिया गाय को तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हमें अब हम उस ऑफिसर की भी बात टाल नहीं सकते जिसके लिए हम पहले मिशंस कर चुके हैं, जिसके लिए हमने काफ़ी मिशंस किए हैं और उसके लिए हमने मुजरिम को पकड़वाया है काफ़ी, तो उसकी बात हम टाल नहीं सकते। तो इसलिए अभी हम उससे मिलने आए हैं, और मैं शॉर्टकट लेके जाने के चक्कर में यहाँ से डायरेक्ट वो पेट्रोल पंप पे है, तो यहाँ से ये डायरेक्ट रूट पेट्रोल पंप पे जाता है, बट इतना सा डिफरेंस कि हमें यहाँ पर गाड़ी को कुदा के जाना पड़ेगा, और हमारे व्हील्स हो चुके हैं डैमेज, हेल्थ हो चुकी है 7% डैमेज, हालांकि हेल्थ पे हमें ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत अगर मिशंस हेवी है तो करना पड़ता है। ऑल दैट गाइस, तो हम यहाँ पर कार पार्क कर देते हैं और एलेक्सी से बात करते हैं, तो देखते हैं क्या बोलता है हमारा। टॉक टू एलेक्सी, ओके कहाँ है एलेक्सी, ये रहा, इसने हमें सीक्रेटली मिलने के लिए बुलाया गया इस यहाँ पर। ओके, तो यू वॉन्ट बी हार्म्ड, यू विल बी अंडर अवर प्रोटेक्शन, द मेन थिंग इज नॉट टू मेक। ओके, तो एलेक्सी ने हमें कहा है कि आज वो उसे रिची को पकड़ने वाले हैं किसी भी सूरत में, तो हमें पास में नहीं रहना है उसके, मतलब जिस टाइम वो पकड़े रिची को, तो अगर हम साथ में रहे उसके तो हम भी गिरफ्तार हो जाएंगे बराबर, तो हमें कोशिश करनी है कि रिची के साथ हम न रहे, अदरवाइज़ हम भी गिरफ्तार हो जाएंगे और पता नहीं क्या एंड होगा।
मैं भी पहली बार ही खेल रहा हूँ इस कहानी को, तो मैं पूरी कहानी आपको नहीं बता सकता पहले से। तो प्लीज़ वॉच दिस एंड देखते हैं अब आगे क्या होता है। हम इसमें एक प्लेयर है, तो हम इसमें रशियन कार ड्राइवर, और हमारी ये कार है, हम इसे ड्राइव करते हैं इस गेम में। और जो जो मिशन हमारा मतलब गेम में है, हम वो कंप्लीट करते जाते हैं। तो जो अब मिशन हमें कराना चाहता है, तो देख लेते हैं क्या कराना चाहता है। ऑल राइट गाइस, तो अभी हमें वापस जाना है रिची के वेयर हाउस में, मतलब होम में, उसका होम ही आई थिंक वो, लेकिन कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। मुझे लगा था माफिया का है तो काफ़ी बड़ा होगा, बट उतना भी बड़ा नहीं है। तो ये वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस पार्ट, क्योंकि इसमें हमारी लाइफ पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। जो इसमें हम पहले कर रहे थे, हो सकता है वो ना करे, या हो सकता है और भी कुछ अपग्रेड हो जाए हमारा, या फिर हम डिपग्रेड भी हो सकते हैं इसके लेवल में, क्योंकि हमारे पीछे पुलिस भी पड़ी है, माफिया भी है। अगर हमने किसी से भी एक से भी गद्दारी की तो हम दोनों साइड से जा सकते हैं, क्योंकि माफिया तो छोड़ेगा ही हमें और पुलिस भी हमें छोड़ने वाली नहीं है। हालांकि बस पीछा करती रहती है अगर हम, मगर पकड़ भी लेती है कई बार हमें, तो तब भी बहुत खतरनाक है हमें पुलिस से भी और माफिया से भी। तो मैं जल्दी से पहुंचा देता हूं गाड़ी को अपनी जगह पे, क्योंकि रिची वहां पे आने वाला है। उसके बॉडीगार्ड से मैंने बात की थी, तो उसने कहा था बस थोड़ी देर में आ रहा है, यहीं पर रुको, और हम चले गए वहां से। तो 2 किलोमीटर बचा है अभी, माफिया का एक घर पहुँच चुके गाइस हम। ये उसी की वैन है क्या? नहीं, बाहर से व्यू देखते तो बाहर से कुछ अच्छा व्यू आता है, बट थोड़ा सा मिसगाइडेड होते हैं। और यहाँ हमने ड्रिफ्ट मार दी, बहुत अच्छी शानदार ड्रिफ्ट है। रियर व्हील ड्राइव लगा के चल रहे थे हम, क्योंकि यहाँ पे हमें खड़ी करना है गाड़ी, स्टाइल से खड़ी करेंगे। रिची द माफिया गाय देख रहा है हमें। ओके गाइस, तो टॉक टू रिची आया है अभी, मतलब रिची आ चुका है, बात करना है हमें रिची से। You were told to wait for me for an hour. Where did you disappeared? Punctually is apparently not your thing. Okay, I need you as a driver today. I went to the city on business. I had important things. Okay, क्योंकि हमें ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि अब इसका एंड होने वाला है इस गेम का। I have some questions for you, my people installed a tracking device on your car. All right guys, तो रिची मुझसे कह रहा है कि हम मेरे उसके आदमियों ने मेरी गाड़ियों में GPS फिट कर दिया था, जिसकी वजह से उसे पता है कि हमारी कार कहाँ कहाँ जा रही है। और वो मुझे कह रहा है कि हमें उसको चर्च लेके जाना है। तो अब वो रिची चल रहा है हमारे साथ चर्च। और जैसा कि हम मैंने आपसे पहले कहा था कि हमें एलेक्सी ने कहा है कि अभी वो चर्च में इसे पकड़ने वाले, तो हमें साथ में नहीं रहना है इसके, अदरवाइज हम भी घेरे में आ सकते हैं। बट माफिया गाय रिची हमें लेके जाना चाहता है, हमें एज ए ड्राइवर, उसका ड्राइवर आज आया नहीं है, तो उसे हम पर शक हो चुका है कि हम उसके साथ कुछ करने वाले हैं गलत, या उसे फंसाने वाले हैं। तो वो उसने कहा है कि हम अगर वापस आ गए तो वो हमें देख लेगा, लेकिन हमें पता है कि वापस आने वाला नहीं है, चर्च से ही पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है गाइस। ऑल राइट गाइस, तो हम लेकर जा रहे रिची को चर्च में और रिस्क ले रहे अपनी लाइफ का। तो दिस इज़ द बिग रिस्क ऑफ आवर लाइफ। अब हमें यहाँ से पुल पार करना पड़ेगा, पुल तो है नहीं वैसे, रिवर क्रॉस करना पड़ेगा, गाड़ी को करवाना पड़ेगा। वैसे तो डेप्थ है यहाँ पर काफ़ी हाई लेवल की है, जैसे डेंजर लेवल आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा पानी चढ़ जाता है। और फोर व्हील ड्राइव लगाया है वैसे तो हमने, कोई दिक्कत आएंगी नहीं हमारी गाड़ी चढ़ने में, काफ़ी हल्की कार है हमारी वैसे। ओके, तो 1 किलोमीटर का बस डिस्टेंस बचा है, हम चर्च से लेकर पहुँच चुके हैं रिची को, द माफिया गाय, और ये लीडर है माफिया का। अभी हमें यहाँ पर कार पार्क कर देना है, देखते हैं क्या होता है। अरे हमने कुछ ज़्यादा ड्रिफ्ट मार दी, पानी में नहीं, पानी में नहीं, नहीं तो मिशन फिर से फेल हो जाएगा और हमारी कार डूब जाएगी पानी में और हम निकलेंगे हॉस्पिटल में। तो हमें यहाँ पर अच्छे से पहुँचाना है इसको,
ओके, तो पहुंच गया रिची चर्च में और अब देखते हैं क्या होता है गाइस। ओके, तो अब हो रहा है सीन, पुलिस ने उसे घेर लिया है चारों तरफ से, हेलीकॉप्टर तक आ चुका है गाइस पुलिस का। और ये ड्रिफ्ट मार के देखो, पुलिस की कार भी आ गई, कमांडोज आ गए, हमारी कार ये खड़ी है। ओके, तो ऑल राइट गाइस, तो रिची को पकड़ लिया ये कमांडोज ने, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सीन हुआ है आगे का। हमारी वजह से माफिया का लीडर पकड़ा गया है और इस बार वो हमें छोड़ेगा नहीं अगर बाहर आ गया तो। ओके गाइस, तो हम भी आ चुके हैं जेल में और ये हमारा फ्रेंड, मतलब जो ऑफिसर जिससे हमने बात की थी, और अभी हम बात करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। रिची वॉर सेंटेंस टू 25 ईयर्स एंड यू आर गिवन 7 ईयर्स, बट देयर इज अ चांस फॉर यू टू गेट आउट एर्लियर। आई टुक केयर ऑफ इट सो दैट यू वुड बी सेंट टू अ गुड कॉलोनी, ऑलमोस्ट लाइक अ रिसोर्ट, इफ यू कैन से दैट वैशाली इज डूइंग ओके, बट ही नीड्स सम मेडिकल हेल्प। वेल, गुड लक टू यू, एवरीथिंग विल बी फाइन, ऑल राइट। ओके, तो अभी हमें जेल जाना पड़ेगा गाइस 7 साल के लिए। हमें 7 साल की सजा है, उसको 25 साल की सजा लगी है रिची को, मतलब 25 साल तक वो निकल के आने वाला नहीं है। और हम आ चुके हैं, अच्छा 3 साल में ही निकल के आ चुके हैं, हमें 7 साल की लगी थी। और क्योंकि हमारा फ्रेंड है एलेक्सी, उसने हमारी सज़ा कम करवा दी और हम निकल के आ गए। हमारे लिए एक मेल आया, पढ़ लेते हैं, देखते हैं। हेलो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर रिलीज, तो मतलब ये हमारे फादर का है लेटर है, देखते हैं क्या कहना चाहते हो। योर लेटर्स वर सो रेयर, वी वर वेरी वरीड अबाउट यू एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट यू आर अलाइव एंड वेल एंड हेडिंग होम। 3 ईयर्स इन प्रिजन इन लॉन्ग एंड हार्ड, बट यू डिड इट एंड नाउ देयर इज अ टाइम टू स्टार्ट ओवर, फाइंड अ गुड जॉब, स्टार्ट अ फैमिली फाइनली। Everything is good with us. Dad continues to work. He was very happy when he read in the newspaper that you won some championships in the car he gave you. We really hope that you won't. Okay, तो just ऐसी casual हमारे parents हमें बताना चाह रहे थे, मतलब मेरे father बता रहे थे। और ये हमारी train है, okay, तो हम यहाँ से उठ भी सकते guys, हम train से जा रहे हैं पहली बार, जो हम देखते बसते ट्रेन के अंदर बैठ नहीं पाते थे, अब जाके इस मिशन में हम बैठ पाए, क्योंकि हमारी लाइफ यहाँ से चेंज हो चुकी है। हम 3 साल में प्रिजन में रह के आ चुके हैं अपनी सज़ा काट के। तो चलिए बाहर जाके देखते हैं ट्रेन में और क्या क्या है। बाहर का नज़ारा वैसे अब काफ़ी अच्छा आ रहा है और ये विंडोज़ में पर्दे भी लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और ये हमें सेपरेट रूम दिया गया था क्या? ओके, तो ये रहा हमारा लोन बेसिकली, मतलब ट्रेन का है पूरा सीन। और ये डोर में अगर क्लोज कर दूंगा तो मैं ही भूल जाऊंगा कि हमारा कमरा कौन सा था, वैसे नंबर डला है, आई थिंक 5 नंबर है हमारा। ओके, तो चल के देखते हैं आगे और क्या क्या है इस ट्रेन में। फायर एक्सटिंग्विशर है, ये मैप है, ये कहाँ का मैप है, अच्छा रेलवे का मैप है। और ये टॉयलेट है, ये रशिया का है गाइस सीन। और ये कौन है? हेलो, प्लीज़ हेल्प मी, आई लॉस्ट माय एंगेजमेंट रिंग एंड कांट फाइंड इट, माय विजन इज़ पुअर एंड आई लेफ्ट माय ग्लासेस एट होम, द रिंग मस्ट बी इन वन ऑफ द कंपार्टमेंट। कि ये यंग लग रही है लेकिन फिर भी बूढ़ों जैसी बात करी, कि चश्मा नहीं है उसके पास और विज़न कमज़ोर है, अपनी रिंग घुमा चुकी है। और ये ओल्ड गाय, ये क्या बोल रहा है, ईडो नाम है इनका। हेलो, वेयर आर यू गोइंग? आई एम जस्ट हेडिंग टू होम। ओके, आई एम हेडिंग फर्दर, मोर स्पेशली आई एम गोइंग टू शोलेस मैन, क्या बोला, विथ माई सन, बट वी हैड फाइट एंड नाउ वी हैवंट बीन टॉकिंग टू ईच अदर। ओके, यू नो आई एम ऑलरेडी ओल्ड, आई हैव मच मोर एक्सपीरियंस देन ही डज, बट ही डजंट लिसन टू मी एंड डज एवरी थिंग हिज ऑन वे। कुड यू टेल
him that he should respect and listen to his elders. Okay, तो हमें पहुंच जाएंगे या फिर ये छोटे मोटे मिशंस हमें कंप्लीट करना पड़ेगा तभी हम कहीं उतर पाएंगे. आई डोंट नो. इसकी रिंग घूमी है, मैं वो कंपार्टमेंट में ढूंढी है, मैं बाथरूम में कांडूँगी. अच्छा, बाथरूम में भी हो सकती है क्योंकि उसका विजन कमज़ोर है, वो बाथरूम गई होंगी तो हो सकता फेंक दिए, मतलब गिर गई होंगी वहाँ पे. यहाँ पे है क्या रिंग? नहीं, यहाँ पर नहीं है रिंग. और ये भाई साहब कौन है? इनसे बात करूँ क्या मैं? नहीं, इनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ मैं और ना ही बैठ पा रहा हूँ यहाँ पर. तो डोर्स को क्लोज कर दूँ क्या, ओपन कर दूँ? अच्छा, एक नंबर अब जाके खुला मैंने. यहाँ पर तो कोई नहीं है और ना ही रिंग है. वैसे कंपार्टमेंट कौन सा था उन्होंने बताया नहीं, बट उनकी रूम ढूंढने में हम लगे हुए गाइस. वैसे हेल्प करनी चाहिए वैसे दूसरों की, तभी हमारा भी कुछ भला हो पाएगा शायद. चार नंबर, ये एलेक्सी है क्या? तो वही जो जिसने हमें पुलिस से बचाया कि नहीं, हम बात भी नहीं कर पा रहे फ़िलहाल इससे. तो आई थिंक बाद में हम बात कर पाएंगे, पहले रिंग ढूंढना पड़ेगा आई थिंक हमें. और जो सामने दो बंदे खड़े थे, उन दो बंदों ने जो मिशन दिया, मतलब बंदे नहीं कह सकते आप, कह सकते कि ये तो हमारा ही कंपार्टमेंट है. मतलब दो लोग, एक बूढ़ा, एक बूढ़ा मतलब एक अंधी लड़की और एक बूढ़ा आदमी. ये कौन सोया हुआ है? बच्चा है? अच्छा, आदमी पी के सोया हुआ है यहाँ पर. बताओ यार, रशिया में पीते भी रहते हैं लोग, बाग ट्रेन में सो जाते हैं कंपार्टमेंट में आके. ओके, तो ये भी खाली छे, यहाँ पर कोई नहीं है. वैसे तो बात तक करने को तैयार नहीं है कोई गाइस. ये लास्ट कंपार्टमेंट में, इसमें अगर नहीं मिली तो कहीं से नहीं मिलेंगी रिंग इसकी. ओके, फाइनली यहाँ पर है इसकी रिंग. ओके गाइस, तो फाइनली हमने रिंग ढूंढ ली. वैसे तो ये गोल्ड की हम खुद ही दे बेच सकते थे. और ये क्या है? टॉयलेट नहीं है लेकिन. और ये कौन है? आई थिंक ये सन है उसका, वो जो ओल्ड गाय था, उसने कहा था कि उसका सन उससे बात नहीं कर रहा है, कुछ हम बात करें इससे जाके. क्या बात करना है इनसे भाई? ओके, इसका सीमे नाम है. ओके, हेलो डिड योर फादर सेंड यू टू मी? ओके, तो इसे पता है कि हम कह रहे हैं इसे कि हाँ, आपके पापा ने ही भेजा है हमें, उनसे बात कर लो थोड़ा जाके. ओके, तो ये हमसे कह रहा है, टेल हिम दैट आई डोंट नीड हिज एडवाइस, आई डू इट समथिंग माई ओन. ओके, तो जैसे कि यंग लड़के बोलते हैं अपने पिता को अक्सर कि हमें अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीने दो, तो ये भी वही कहानी है. तो हम भी थोड़ा व्यू थोड़ा इन्जॉय कर लेते बाहर का कि हम जा कर रहे, और घर भी यहाँ अच्छे खासे बने यार. ऐसे में मुझे में घर होना चाहिए था एक अलग से अलग बिल्कुल. तो ठीक है, इनसे बात कर लेते हैं कि इनके लड़के ने क्या कहा. ओके, तो समझाने की कोशिश करते हैं इन्हें. देयर इज सम ट्रुथ इज वॉरी. ओके, तो वो सच कह रहा है, ऐसा बोल दिया हमने इसे. वेल आई डोंट नो. ओके, ट्रायल टू लिसन टू हिम, आई जस्ट लव हिम सो मच एंड वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल. ओके, हेलो मैडम, आपकी रिंग मिल चुकी है. ओके, इट वॉज़न्ट डिफ़िकल्ट. तो मैं डिफ़िकल्ट तो काफ़ी था, मैंने कह दिया कि इट वॉज डिफ़िकल्ट. तो एक ही क्यों कंपार्टमेंट खोल के चेक करना पड़ गया हमें उसकी रिंग वापस करने के चक्कर में. अब क्या इन दोनों से बात तो नहीं कर पा रहा हूँ मैं, मतलब अब लड़के से बात करनी होंगी शायद हमें, क्योंकि हम उतर भी नहीं पा रहे इस ट्रेन से. पता नहीं कब आएंगी हमारी मंजिल, और काफ़ी लंबा सफ़र होते जा रहा है ये. शायद मिशंस कंप्लीट करने ही पड़ेंगे हमें, तब जाके कुछ हो पाएगा इसका. और अच्छा, हम बात कर पा रहे गाइस अब, क्योंकि हमने दो मिशंस कंप्लीट कर चुके हैं इन छोटे मोटे बातों में. ओके, तो कोइंसिडेंस, आई हर्ड इट देयर टू, आई एम फ्रॉम द विलेज ऑफ कारकिनो, मे बी यू हर्ड इट ऑफ इट. ओके, या कारकिनो तो मैं जाता रहता था मतलब काम से. व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? आई एम एक्चुअली ऑन अ बिजनेस ट्रिप, आई गॉट प्रमोटेड एंड नाउ आई विल बी वर्किंग एज अ मैनेजर एट अवर सॉमिल. अच्छा, ये सॉमिल वाला मैनेजर है गाइस, मतलब सॉमिल वाला भी हमारे लिए खुल जाएगा पार्ट,
मतलब हम अपनी कार का यूज़ कर सकते हैं 100 मील में। तो ये हमें ऑफ़र कर रहा है जॉब कि जब भी हमारे पास टाइम हो हम आए अपनी कार लेकर और ये हमें कुछ ना कुछ जॉब दे देगा ताकि हम कमा पाए और अच्छे से। ओके, तो अब तो हमारी कार भी घर पे होंगी, पता नहीं है कि नहीं है, देखते हैं क्या होता है। ग्रेट, देन यू विल फाइंड मी देयर, कम एंड ओके। तो इसने हमें जॉब ऑफर कर दी कि हमने बात कर ली इससे, तो इसने हमें बता दिया कि मैं 100 मील का मैनेजर हूँ, तो जब भी अगर हमें पास टाइम हो तो हम पहुँच जाए 100 मील बात करने इससे। और ये कौन बंदा है, इससे बात करके देखते हैं, शायद कुछ और दे दे हमें। रॉन्ग कंपार्टमेंट, बॉन एमिट। ओके, तो ये मतलब कोई काम का बंदा नहीं है हमारे, तो हमने इसे बोल दिया रॉन्ग कंपार्टमेंट, मतलब गलती से हम आ गए, कोई बात नहीं, डोंट डिस्टर्ब एनीबॉडी। यहाँ तो कोई बैठा ही नहीं है। और दूसरे, अच्छा ये हमारा अपार्टमेंट ही नहीं है, हमारा अपार्टमेंट 5 नंबर का था, ये 4 नंबर है। अच्छा यहाँ पर भी एक बैठा हुआ है, इससे बात करके देखते हैं क्या बोलता है। हाय, हाउ आर यू? या आई एम गुड। हैव यू मेट बिफोर? लग तो रहा है मैंने भी इसे देखा, मतलब वो कह रहा है कि हमने इसे देखा है, हम जानते हैं कि ये एलेक्सी है आई गेस। हो सकता है इसमें नाम इसका शायद चेंज हो या फिर कुछ और नाम है इसका, तो मकान करके नाम बता रहा है, मगर एलेक्सी की जैसे शक्ल लग रही है मुझे, बट है या नहीं आई डोंट नो प्रोबेबली, बट कोई काम का वैसे है नहीं। एक ही बंदा भी काम का मिला हमें जो 100 मील वाला था, बाकी हमारा एक फ्रेंड है एलेक्सी और ये बेवड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पर पी के बियर। वैसे भी थे क्या, ध्यान नहीं दिया। ओके, तो दो तीन, यहाँ तो अपार्टमेंट ही खाली पड़े हुए काफ़ी। चलो ये बंदा एक है, ये इससे बात कर लेते हैं। अच्छा बात कर सकते हैं। ओके, तो क्या बात करने का ऑप्शन आ रहा है? ओके, तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, रिटर्न टू योर सीट। ओके, तो भेज दिया गाइस हमने फाइनली, तो मतलब मिला दिया हमने फादर एंड सन को। अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ बोला है हमें, हमारे लिए यही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इस गेम की ओर से। तो ठीक है, काफ़ी घूम लिए हम भी, थक गए, तो बैठ जाते हैं आके सीट पे, लेकिन बैठेंगे कैसे, यहाँ ऑप्शन ही नहीं आ रहा सीट का। तो ऐसे रेडियो तो हमारा कुछ यूजलेस ही था, चल रहा नहीं है। और क्लोज द डोर, मतलब डोर क्लोज नहीं किए थे इसलिए तो हम बैठ नहीं पा रहे वहाँ जाके, क्योंकि बैठ जाना मतलब पूरा टास्क कंप्लीट हो जाना, और डोर सबके खोल के रखे हुए हमने, तो यही एक एडिशनल लग रहा है मुझे, हो सकता। अच्छा सीट डाउन, अब आया ऑप्शन गाइस। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली 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 हम पहुंच गए, आई थिंक डेस्टिनेशन अपनी स्टेशन पे पहुंच गए आई गेस। ओके, तो हम स्टेशन पे पहुंच गए, हमारी स्लीप भी काफ़ी अभी उठी हुई है, मीट विथ वैशाली। ओके, तो हमारा फ्रेंड जो माफिया के कवर में था, जिसके लिए हम काम कर रहे थे, जिसने उसे उठा लिया था, तो वो फाइनली छूट गया क्योंकि पुलिस ने उसे मारपीट के छुड़वा लिया हमारे दोस्त को। हमारे पास काफ़ी चीज़ें आ चुकी है, और ये रहा हमारा दोस्त, ये हमारी गाड़ी लेके आ गया है। यहाँ बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसी गाड़ी हमने दी थी इसे, मतलब छोड़ के गए थे। वैसे तो पुलिस ने आके हमें गिरफ्तार कर लिया था, तो कार पता नहीं शायद घर पे भेज दी होगी उन्होंने। ओके, तो हमारा दोस्त हम कह रहा है कि ये हमें लेने आया है, वेलकम बैक होम माय फ्रेंड, आई एम ग्लैड दैट यू आर अलाइव एंड वेल, आई नेवर गॉट द चांस टू थैंक यू फॉर नॉट अबेंडिंग मी एंड ट्राइंग टू सेव मी। ओके, तो ये हमें थैंक यू कर रहा है कि हमने इसे बचा लिया, और ये हमें ऑफ़र कर रहा है कुछ। ओके, अपार्टमेंट ऑफ़र कर रहा है गाइस, तो मतलब ये बहुत ही अच्छी पोस्ट पे लगा हुआ है, बोले कहीं हेड मैनेजर है कहीं का, कोई अनदर सिटी में है बोले, अपॉइंट है। तो आई फाउंड अ न्यू जॉब, स्टार्टेड अ बिजनेस। ओके, तो इसने बिजनेस स्टार्ट किया, एक नई जॉब देखा और फिर बिजनेस स्टार्ट किया, और हमारी लाइफ भटक चुकी थी क्योंकि हम 3 साल तक जेल में थे। वैसे तो बिजनेस तो हमारे भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। वाइल यू आर अवे आई लुक आफ्टर योर कार एंड केप्ट इट क्लीन। ओके, तो इसने हमारी कार हमारे बिहाफ में
रख ली और साफ़ करता रहा, मतलब अच्छी बना के रखा है उसने और रिपेयर रिपेयर सब करके रखा हुआ है, पता नहीं यूज़ कर रहा था कि नहीं। तो ओके, तो वो बैठ चुका है, अभी हम चला रहे हैं अपनी कार को। वैसे तो इसके पास भी एक कार आ चुकी है अब, क्योंकि ये मैनेजर बन चुका है कहीं का, बिजनेस खोल के। तो हमारे पास 4,92,000 पड़े हुए गए अभी तक, मतलब कुछ भी खरीद सकते हैं। हमारे पास पैसों की तो अभी भी कमी है नहीं, बस प्रॉपर्टी भी काफ़ी है इस शहर में हमारी, बट अभी और अभी हमें करना है, बट तब तक हम काफ़ी पीछे आ चुके हैं। हो सकता है अभी काफ़ी चेंजेस हो इस गेम में, क्योंकि हम अगला पार्ट क्रॉस कर चुके हैं और हम इस बार ऑफ रोडिंग से तो नहीं निकल सकते, हम डायरेक्ट ही निकलना पड़ेगा क्योंकि सामने मड आने वाला है। पानी में चल लेते हैं, और अभी हमें जाना है वापस अपने वहाँ पे जहाँ पे मतलब कार्गो लीडर था हमारा, उसी सिटी में जाना है साउथ रीजन में, क्योंकि जो भी हमारा मतलब अभी अपार्टमेंट जो ये इसने हमें गिफ्ट किया है तो वो वही है हमारा। पता नहीं हमारा जो घर है वो बचा है या नहीं, क्योंकि वो दूसरी सिटी में था गाइस, जो हमारा फैमिली वाला होम था, वो जो हमारे फादर ने हमें गिफ्ट किया था, हम एज सिपाही जो वापस आए थे, मतलब हम सिपाही थे इसमें, रशिया मिलिट्री में थे, रशिया की मिलिट्री के लिए काम करते थे, और हम वहाँ से वापस आए थे। तो हमारे गाइड ने हमें ये कार और घर गिफ्ट किया था, मतलब छोड़ के गए थे वही उनकी वाली, तो क्योंकि वो दूसरी सिटी में काम करने चले गए थे इसलिए ये दोनों उन्होंने हमें दे दिए थे, हमारा नहीं था इसमें कुछ, हमें बस कमाना था और वहाँ रहना था, तो इसीलिए मैं इसमें ड्राइवर एज काम करा। और तब से हम बस इस गेम की शुरुआत हुई थी और जस्ट कुछ न कुछ लेवल्स हम क्रॉस करते ही जा रहे हैं इसमें। तो मैंने इस कार को काफ़ी अपग्रेड कर चुका हूँ तब से, और कार्गो लीडर में भी काफ़ी काम कर रहे हैं। कार्गो लीडर से हमारी एक स्पेशल मतलब स्टेबल इनकम आती रहती है वहाँ से, तो हमने वहीं पर काम कर करके अपनी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हाई कर लिया और काफ़ी मिशंस भी कर चुके हैं हम फिलहाल। तो ड्रिफ्ट मार के हम काफ़ी अच्छी कार चला लेते हैं अभी भी। ओके, तो इस गेम में हमारे 3 साल हुए, वैसे 3 साल नहीं हुए हमें जेल में, मतलब एक्सपर्ट तो है हम कार चलाने में उसमें। तो ये हमारी बेस कार है, इसके मैं सोच रहा हूँ अलॉय व्हील्स चेंज कर दूँ, अगर इसमें ऑप्शन रहा तो ज़रूर चेंज कर देंगे। ओके, तो ये ड्रिफ्ट मार के रोकने का स्टाइल बहुत अच्छा है, क्योंकि हाई स्पीड में एकदम अच्छे से ड्रिफ्ट मारती कार परफॉर्म अच्छे से कर लेती है। इस बार भी सोच रहा हूँ शॉर्टकट ही लेके जाऊँ, कौन इतना लंबा रूट लेगा। साउथ रीजन में हम एंटर कर चुके हैं और यहीं पर है हमारा जो अपार्टमेंट दिया था, ये भी हेल्थ हम फालतू में डैमेज कर ली अपनी, और गाड़ी भी फुल टैंक तो है हमारा। ओके, 56 लीटर है, तो मतलब डालने की ज़रूरत है नहीं फ्यूल, 1 किलोमीटर बता रहा है। यहाँ पर आई गेस ये अपार्टमेंट हमें दे रहा है दोस्त, कि ये अपार्टमेंट उसने हमारे लिए ख़रीदा था, देखते क्या बोलता है। ऑल राइट गाइस, तो हियर यू गो, दिस आर द कीज टू योर न्यू अपार्टमेंट। ओ थैंक्स, तो वो एन एक्सपेंसिव गिफ्ट हाउएवर। अच्छा, तो इसने एक्सपेंसिव गिफ्ट किया क्योंकि हमने इसकी जान बचाई थी उस माफिया लीडर से, उसके चक्कर में हम 3 साल होकर भी आ चुके हैं जेल से, नाम बदनाम हो चुका है पूरा हमारा यहाँ पर। तो यू डिज़र्व इट, हियर अ लिटिल मोर मनी टू गेट यू टूअर्ड द फर्स्ट बिट, वेल यू आर रेस्ट अप एंड गेट रेडी, कम टू मीट मी वैन यू आर रेडी। ऑल राइट गाइज, तो ये दोस्त कह रहा है हमें कि हमने उसकी जान बचाई थी, तो उसने कुछ पैसे कमाए हैं तो जो हमें दिए 12,000 बस दिए उसने, बाकी अपार्टमेंट गिफ्ट दे दिए। ऑल राइट गाइज, तो हमारी अभी जो स्टेट है वो क्लीन स्टेट हो चुकी है, मतलब हमारा जो खराब था मतलब रेप्यूटेशन जो खराब थी, पुलिस से बहुत बार हमारी मुठभेड़ हुई है इसमें, बस ऐसे ही पुलिस से हम भिड़ने का शौक था। और ये कौन है भाई, हमारे घर के सामने क्या कर रहा है ये? ये पूरी बिल्डिंग हमारी है क्या, कि सिर्फ अपार्टमेंट है हमारा? आई थिंक अपार्टमेंट बस है गाइज अपना, और ये मुझे छोटा लग रहा है हमारे पहले के होम से,
देखो बेड यही है, वहाँ तो पूरा हॉल था पहले, उसके बाद बेडरूम और वार्डरूम में क्या है। अच्छा, दाढ़ी हमारी काफ़ी बढ़ चुकी है क्योंकि हम बाहर गए हुए थे, मीनवाइल जेल में थे, तो उसके लिए हमारी दाढ़ी बढ़ चुकी है जेल में। ऑल राइट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे की प्रोग्रेस आपको इस गेम में आगे पता चलती रहेंगी, तब तक हम एक छोटा सा टूर कर लेते हैं घर का, क्या क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा रिलीफ भी कर लेते हैं, पी कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो ML ऑफ लिक्विड कमी है इसमें। ओके, तो हल्का हो लेते हैं थोड़ा। ऑल दैट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, और बस आगे बने रहिए हमारे साथ, तो और भी हम इसी गेम के इंटरेस्टिंग पार्ट्स और भी एक्सप्लोर करते रहेंगे। हमें इसमें काफ़ी लेवल्स आगे और अपग्रेड करना है, काफ़ी और भी नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ें देखनी है। 4x4 चैम्पियनशिप भी काफ़ी हम विन कर चुके हैं इसमें। और ये रहा किचन, ये तो हमारा सिर्फ बेडरूम था आई गेस। ओके, तो मतलब ये हॉल बेडरूम सब चीज़ एक ही है। और ये क्या है, ये टीवी रूम है और किचन है आई गेस। किचन तो हमारा वैसे यूजलेस ही है क्योंकि हम बनाते हैं नहीं खाना, और ये बॉक्सिंग हम मार पाए रहे कि नहीं, तो बॉक्सिंग मार नहीं पा रहे, लेकिन दिया हुआ है बॉक्सिंग बैग। फूड है, थोड़ा सा खा ही लेते, ड्रिंक कर लेते एक्चुअली। ऑल राइट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।